सभी प्रदेश और देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदेश और देश इस वक्त लॉकडाउन से गुजर रहा है, क्योंकि हम सबको कोरोना से बचना भी है और दूसरों को बचाना भी है, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है और उस लॉकडाउन का हम पालन भी कर रहे हैं सभी देशवासी और प्रदेशवासी। और साथ ही साथ एक एडवाइजरी भी जारी हुई है, उस एडवाइजरी के तहत ही हमें नमाज भी अदा करनी है और बेहतर होगा कि हम घर पर ही नमाज अदा करें। उसके साथ साथ मैं अपने समाज के लोगों से, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि हम अपनी ईद ऐसे लोगों को समर्पित करें जिन्होंने अपने परिजन को खोया है इस कोरोना काल में। चलो, कोरोना से ग्रसित होकर लॉकडाउन झेल रहे हैं और साथ साथ अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं, जिन्हें हमारी जरूरत है, या वो परिवार जिनकी जीविका रोज खाने और कमाने पर चलती थी वो भी लॉकडाउन में है, उनके परिवारों में भी परेशानी है, उनकी परेशानियों को हम सब साझा करें। यही हमारी ईद होगी पूरे समाज के लिए, सबके लिए, और यही हमारे ईद का असल मकसद भी है कि हम दूसरे के घर में खुशियां ले आएं। यही हमारी सबसे बड़ी ईद होगी।